हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नबील है। iOS 18.1 का रिव्यू वीडियो में आपके लेके आया हूँ। आज जो डेट है वो है 31 अक्टूबर, थर्सडे है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जब हमारी ये अपडेट आई थी वो आई थी ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे से लेकर मैंने आज वेंसडे थर्सडे दो दिन जो है प्रॉपरली, दो से तीन दिन प्रॉपरली मैंने इसको इस्तेमाल किया है और आपके लिए जल्द से जल्द मैं यहाँ पे रिव्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ। हालांकि इसका जो RC वर्जन है वो मैं काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने अपडेट आपके लिए बनाया, वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने देखा कि जो RC वर्जन पे चल रहा आईफोन है उस पे भी न्यू अपडेट मुझे देखने मिली थी 18.1 की, जिसका बिल्ड नंबर अलग था। तो वो जो अपडेट आई थी वो 386 MB की आई थी और उसमें आपको 22B83 ये बिल्ड नंबर जो है ये देखने मिलेगा। तो अगर आप 22B83 पे हो, जो लोग बेटा वर्जन से स्टेबल वर्जन पे जाना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए भी ये जो है अपडेट सही है। और ये 22B83 अपडेट जो है ये बिल्ड नंबर वाली, इसका मैं रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं आज। उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे जो अपडेट थी 18.1 की वो थी 22B82 और अभी जो है अगेन बताना चाहता हूं 22B83। सबसे पहले हमेशा की तरह हम बैटरी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सेटिंग में आ जाते हैं, सेटिंग के अंदर हमको जाना है बैटरी में, और बैटरी में सबसे पहले बैटरी हेल्थ चेक करते हैं। तो यहाँ पे 100% है, नया फोन है, साइकिल काउंट 34 है। हालांकि मैं इसको बीटास पे टेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं 0 कर देता हूँ, फिर 100 कर देता हूँ, अभी भी आप मेरी बैटरी लाइफ देखेंगे तो 8% पे जो है ये आ चुकी है। तो इतना कभी भी करना नहीं चाहिए आपको और 100% तक भी चार्ज नहीं करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके लिए टेस्ट करना है और इसका रिव्यू लेके आना है। यहाँ पे चार्जिंग में भी देख सकते हैं मैंने 100 करके रखा हुआ है इसको, लेकिन होनी चाहिए ये 80 के ऊपर, तो ही ये बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी बैटरी की जो है निकाल पाएगा आपका फोन। अब यहाँ पे मैंने लास्ट चार्ज कब किया था देखिए, तो वेंसडे को रात 12 बजे, यानी कि ट्यूसडे को अपडेट आई, पूरा दिन मैंने इस्तेमाल किया, फिर रात में 12 बजे जो है फुल चार्ज किया मैंने, जब वेंसडे लगता है ट्यूसडे की रात को, और तब से जो है अब तक मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एक सिंगल चार्ज पे। तो वेंसडे का दिन जो है पूरा गुजर गया, रात के 12 बजे थर्सडे लगा, तो 24 घंटे बीत गए। उसके बाद जो और 12 घंटे बीत गए, यानी कि 36 घंटे हो गए, और उसके बाद जो है 4.25 घंटे बीत चुके हैं। तो 39 hours 45 minutes जो है, या तकरीबन 40 hours मैंने इसको इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है। आइडल बैटरी ड्रेन कितना है, तो उसके लिए स्क्रीनशॉट देखिए, ये लास्ट चार्ज टू 100% 12 AM जो दिखा रहा है ये वेंसडे का स्क्रीनशॉट है। वेंसडे को सुबह मैंने 7 बजे ये स्क्रीनशॉट जो है वो लिया था। जो भी है आपके सामने है, सबूत पेश यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है कि ये बैटरी लाइफ मिल रही है, जो है आपके सामने है। तो यहाँ पे 100% बैटरी मैंने चार्ज किया था रात के 12 बजे, सुबह के 7 बजे जब चेक करता हूं इसको तो ये 100% पे रहती है, और देख सकते हैं आप आइडल बैटरी ड्रेन जो है ये 0% है। सुबह ऑटोमेटिकली वाईफाई वगैरह आपको पता है कनेक्ट हो जाता है, मैंने हालांकि वाईफाई यहां से कंट्रोल सेंटर से डिस्कनेक्ट करके सोया था, ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो गया। और उसके बाद यहां पे देख सकते हैं आइडल बैटरी ड्रेन 0 है, यहां पे किसी भी चीज ने बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर फाइंड माई, जिसने जितनी भी बैटरी ड्रेन हुई होगी, अब 100 दिखा रहा है तो एक्जैक्टली 100 तो नहीं होता है, आधी परसेंट बैटरी तो ड्रेन हुई होगी, उसका जो 100% है वो फाइंड माई ने इस्तेमाल किया था। तो आप भी ऐसा करना, आपको भी टेस्ट करना है बैटरी को, फुल चार्ज लेना और उसके बाद सुबह जो है रात के 12 बजे प्लग से निकाल देना उसको और सुबह चेक करना आप अगर आइडल बैटरी ड्रेन दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको यूजेज दिखा रहा है, कहाँ पे यूजेज देखना है आपको, लास्ट 10 डेज में जाना है, जिस दिन आपने चार्ज किया, सपोज वो दिन जो है वेंसडे का दिन था, तो सुबह आपको देखना है कि किन किन एप्लीकेशन ने बैटरी इस्तेमाल की जब फोन रखा हुआ था आपका। अगर कोई एप्लीकेशन ऐसा है जिसने बैटरी इस्तेमाल की जो कि नहीं करना चाहिए था, या कोई विजेट ऐसा है, तो उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने गूगल फोटोज को डिलीट किया था, इसलिए मेरे फोन की बैटरी लाइफ जो है सुधर गई और बैकग्राउंड का और आइडल बैटरी ड्रेन का जो है इसने पूरा सफाई कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बैटरी जो है वो कितनी चली है और स्क्रीन एक्टिव टाइम कितना मिला। जैसे मैंने आपको बताया अभी 40 घंटे बैटरी चली है, 8% पे आ गई है, अभी एक आध घंटा और चल सकती है अगर मैं कंटिन्यूसली यूज करूँ तो। और यहाँ पे वेंसडे को जब मैंने चार्ज पे से इसको हटाया, देखिए लास्ट 10 डेज में जाना है, लास्ट 24 आवर्स देखेंगे तो अब से अभी 4 बज रहा है तो कल के 4 बजे से दिखाएगा, तो वो सही नहीं है। लास्ट 10 डेज में जाना है आपको, बैटरी स्टेटिस्टिक्स रीड करने अगर नहीं आया आपको, तो आप कभी भी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं निकाल पाएंगे अपने फोन से। लास्ट 10 डे में जाके वेंसडे पे जाना है और यहाँ पे देख रहे हैं हम स्क्रीन एक्टिव टाइम है 4 hours 31 minutes का, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे शो एक्टिविटी पे जाएंगे तो देखिए इंस्टाग्राम कितना देर चला है, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, यूट्यूब चला है, ट्विटर चला है, व्हाट्सएप चला है, व्हाट्सएप पे कॉल्स हुए हैं, सफारी पे ब्राउजिंग हुई है, अमेजोन इस्तेमाल किया गया है, फोटोज वगैरह, ईमेल वगैरह सब चीजें इस्तेमाल की गई है। ये कैप्शन ऐप जो है ये ऑटोमेटिक कैप्शन बना के देता है, इसको इस्तेमाल किया है, जिसमें डिवाइस का जो प्रोसेसर है उसका भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से। और कैमरा वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल मैंने किया है। अगले दिन का देखते हैं अब थर्सडे का, तो थर्सडे पे 1 घंटा इस्तेमाल हुआ, यानी आज का दिन, तो टोटल इस्तेमाल जो हुई है हमारी बैटरी या जो स्क्रीन एक्टिव टाइम निकाल के दिया है फोन ने, वो है 5 hours 31 minutes का। क्या ये आउटस्टैंडिंग है 16 प्रो मैक्स के लिए? तो आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन एंड्योरेंस जो उसका मिला है हमको 40 आवर्स का, उसके हिसाब से ये काफी अच्छी बैटरी लाइफ है 5.5 घंटों की। अगर यही एक दिन में मैं पूरा
बैटरी जो है 8% पे लेके आता तो यही जो स्क्रीन एक्टिव टाइम है ये 7 घंटे आराम से पार कर जाता। तो ये बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप ऐसे ही मेरी तरह यूज करते हो फोन को अच्छा खासा तो आप अच्छी खासी जो है बैटरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस वाले अपडेट से। और इस मामले में ये काफी बढ़िया लगा मुझे। बहुत सारे लोगों ने कुछ बातें मुझे बताई है कमेंट्स करे से मैं पढ़ते रहता हूं, तो उसमें मुझे पता चला है कि कुछ बग्स जो है लोग फेस कर रहे हैं जो कि शायद मैं भी फेस कर रहा हूं, बताता हूं मैं आपको। तो यहां पे व्हाट्सएप के अंदर जो राइटिंग टूल्स है वो कुछ लोगों का काम नहीं कर रहा। तो राइटिंग टूल्स क्या है, ये AI फीचर है और हकीकत में यहां पे व्हाट्सएप के अंदर जो है राइटिंग टूल्स काम नहीं कर रहा है। यहां पे अगर आप देखें टैप करके तो यहां पे सिलेक्ट ऑल और ऑटो फिल का ऑप्शन है, तो व्हाट्सएप में अभी नहीं चल रहा। हालांकि पहले जो है राइटिंग टूल्स चल रहा था iOS 18.1 के बेटास के अंदर, तो इसके अंदर से वो सपोर्ट हट गया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वापस आ जाएगा, तो इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या नोट्स में राइटिंग टूल चल रहा है, तो बिल्कुल चल रहा है, यहां पे देख सकते हैं राइटिंग टूल्स आ गया है। और कुछ लोगों की शिकायत ये थी कि राइटिंग टूल्स या AI के फीचर्स जो है हमारे फोन पे नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं अगेन आपको बोलना चाहूंगा जिनको AI के फीचर्स मिलेंगे वो है iPhone 15 Pro और 15 Pro Max यूजर्स। ये 15 Pro है, 15 Pro Max यूजर्स जो है उनको मिलेगा। iPhone 16 सीरीज यानी कि ये 16 Pro Max, 16 Pro, 16, 16 Plus इन यूजर्स को जो है Apple इंटेलिजेंस के फीचर्स देखने मिलेंगे। इनके अलावा किसी को भी Apple इंटेलिजेंस के फीचर्स नहीं देखने मिलेंगे। iPhone 15, 15 Plus जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनको सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी। iPhone 12, 10R इनको भी कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगी। कॉल रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी जो iOS 18 पे आता है, लेकिन Apple इंटेलिजेंस के फीचर्स सिर्फ कुछ लिमिटेड मॉडल्स को ही मिलने वाले, जिनका नाम मैंने अभी लिया आपके सामने। Apple इंटेलिजेंस कुछ लोगों का चल नहीं रहा है तो उसको कैसे सेटअप करें मैं वही बता देता हूं आपको। आप जब अपने iPhone को अपडेट करते हो तो आप देख लीजिए कि आपको यहां पे Apple इंटेलिजेंस एंड सीरी देखने मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको सेटिंग में जनरल में जाना है, जनरल में आपको नीचे जाना है लैंग्वेज एंड रीजन में। लैंग्वेज आपकी इंग्लिश US पे सेट होनी चाहिए और आपका रीजन भी यूनाइटेड स्टेट्स पे होना चाहिए। बाकी आप चीजें चेंज कर सकते हैं, जैसे कैलेंडर आपको कोई और चाहिए तो वो आप रख सकते हो। मेजरमेंट सिस्टम देखिए यहाँ पे मेट्रिक किया हुआ है, इंपीरियल रहता है US का, तो वो आप चेंज कर सकते हो। टेम्परेचर आप सेल्सियस पे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने हिसाब से आप कर लीजिए। लेकिन आपको लैंग्वेज और रीजन ये इंग्लिश और US होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि आपको एप्पल इंटेलिजेंस एंड सीरी देखने मिल रहा है या नहीं। मिल रहा है तो इसमें चले जाइए। इसमें भी आपकी जो लैंग्वेज है ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स होनी चाहिए, इंडियन के लिए अभी तक नहीं आया है। और इसके बाद जो है आप यहां से बैक हो जाइए, आपको जो नया एनिमेशन है सीरी का वो देखने मिलेगा, एप्पल इंटेलिजेंस के सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, आपको राइटिंग टूल्स देखने मिलेगा, सब कुछ देखने मिलेगा, लेकिन कंपैटिबल आईफोन्स पे। और कंपैटिबल आईफोन्स कौन से है आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। इसके अलावा कोई और बग्स मुझे देखने मिले जो मैंने अभी मेंशन किया है, जो लोगों की शिकायत है, तो बग्स ऐसे कोई यहाँ पे खास इस अपडेट के अंदर देखने आपको नहीं मिलेंगे। छोटे मोटे बग्स है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो कुछ इमोजीज है यहाँ से गायब है, एक्चुअली स्टिकर्स होते हैं और ये जो स्टिकर्स होते हैं ना ये यहाँ से गायब हो जाते। देखिए ये कुछ स्टिकर्स मैंने बनाया था तो यहाँ से ये गायब हो गए थे, तो वो भी यहाँ पे भी वही दिखा रहा है कि यहाँ से गायब है। बाकी सारी चीजें जो है प्रॉपरली यहाँ पे वर्किंग है। अब स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज में चलते हैं सेटिंग, जनरल और आईफोन स्टोरेज में। आईफोन स्टोरेज में मैंने एक नई चीज देखी इस अपडेट के अंदर, वो क्या थी, वो ये थी कि यहाँ पे जो सिस्टम डेटा है ये 1.07 GB पे जो मेरे फोन का हमेशा रहता था, ये आपके फोन का 9 GB पे रहता है, 10 GB रहता है, वो यहाँ पे काफी रिड्यूस हो गया है। देखिए 280 या 278.2 MB दिखा रहा है और ये फ्लक्चुएटिंग है रियल टाइम में। अभी थोड़ी देर में मैं देखूंगा तो फिर ये चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर में देखूंगा फिर ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए अभी 1.42 GB, तो अपने जो यूजेज के मुताबिक जैसे ये फ्लक्चुएट होता था वो यहाँ पे रियल टाइम में होगा। तो अभी हम सेटिंग्स में आ गए, हम ये यूज कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन यूज किए, तो यहाँ पे इसका साइज बढ़ गया। जैसे ही फोन आइडल पड़ा रहेगा तो इसका साइज घट जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी एक फ्लक्चुएट होता है, यहाँ पे लास्ट में लाइन जो है वो लिखी हुई है कि फ्लक्चुएट होता है। तो यहाँ पे इसमें जो है आपको डरने की कोई चीज नहीं है। और इसका जो स्टोरेज मैनेजमेंट है 18.1 का या iOS 18 का ओवरऑल फैंटास्टिक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका अवेलेबल फ्री स्पेस जो है अच्छा खासा आपके लिए अवेलेबल भी रहने वाला है। तो स्टोरेज के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क की बात करते हैं, नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा है इस अपडेट का। इसका नेटवर्क परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो है आप अगर ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हो, वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हो, एयरड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हो, सारी चीजें जो है यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है। हॉटस्पॉट भी अच्छे से काम कर रहा है, मोबाइल डेटा और वाईफाई खास करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और कॉलिंग में यहाँ पे कॉल ड्रॉप, कॉल फेलियर मुझे देखने नहीं मिल रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस किस लोगों को जो है वाईफाई का इशू आता है, कनेक्शन जो है फेल होते रहता है, कुछ होते रहता है, तो आपको क्या करना होता है, आपका वाईफाई जो है वो रीसेट करना होता है, यानी कि आपके पूरे नेटवर्क सेटिंग्स ही आपको रीसेट करने होते हैं। वो कैसे करेंगे आप, सेटिंग में जाएंगे, जनरल में नीचे जाएंगे, सबसे ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट का ऑप्शन, रीसेट में जाएंगे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग देखने मिलेगा। रीसेट नेटवर्क सेटिंग में आपका फोन का डेटा, आपके फोटोज, वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट डिलीट नहीं होंगे, बस आपका जो फोन है उसके अंदर स्टोर्ड वाईफाई पासवर्ड्स है वो डिलीट हो जाएंगे, फिर से आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो एक बार कर लो फोन रिस्टार्ट होगा और आपका काम जो है बन जाएगा और आपको कोई भी इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका वाईफाई वगैरह सब चीज प्रॉपर
प्रॉपर्ली काम करेगी और इसमें एयरड्रॉप का परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया था अभी वो भी अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है? तो जनरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने बोला था भाई हमको जो है अमेजोन एप्लीकेशन हमारा सही से नहीं चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, अमेजोन एप्लीकेशन आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, किसी किसी का ओपन नहीं हो रहा है। तो आप देखिए जाके कि ऐप स्टोर में आपने अपडेट किया हुआ है कि नहीं, ऐप स्टोर में अपडेट नहीं करते हो पुराना ऐप पड़ा रहता है तो वो तो दिक्कत करेगा ही। सेटिंग में ऐप स्टोर जो है यहाँ पे ओपन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे अपने फोटो पे टैप करके स्वाइप डाउन आपको करना है और जितने भी एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको अपडेट कर लेनी है। बहुत अपडेट्स आती है आईफोन के अंदर एप्लीकेशन की भी, देखिए 32 एप्लीकेशन जो अभी आ गए, मैंने ये अपडेट किया था 2 दिन पहले, तब एक भी जो है एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं था अपडेट के लिए, सब मैंने कर दिया था और अभी 32 एप्लीकेशन का अपडेट आ गया, तो ये करते रहना चाहिए। हीटिंग की भी बात करूं यहाँ पे तो हीटिंग भी जो है बहुत कंट्रोल है, बिल्कुल भी फोन हीट नहीं होता, स्लाइटली वार्म टू टच रहेगा अगर आप कैमरा वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चार्जिंग में भी ये वाला फोन 16 प्रो मैक्स जो है ये हीट नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, एक्सेसिव हीटिंग नहीं है। लेकिन कुछ फोन ऐसे है जो हीट होंगे चार्जिंग वगैरह के टाइम पे, जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो या 15 की सीरीज, 13 वगैरह, 14, ये सब जो पुराने आईफोन से होंगे, इस बार के फोन में हीट मैनेजमेंट अच्छा है तो बैटरी लाइफ भी अच्छी निकल के आ रही, बाकी इस पर्टिकुलर अपडेट की वजह से कोई एक्सेसिव हीटिंग आपको देखने नहीं मिलेगी। गीकबेंच के स्कोर्स मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था, इस टाइम पे भी मैं आपको ये चीज फिर से एक बार बता देता हूं। तो उस टाइम पे जो हमने अपडेट किया था उसके पहले 3495 था, 8664 था और उसके बाद 3496 8646 था, यानी कि सिंगल और मल्टीकोर का स्कोर जो सीपीयू का है वो सेम ही था, इसमें कोई ज्यादा अप एंड डाउन नहीं हुआ था, तो ये अच्छी बात है और उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी हमको देखने मिला है। जीपीयू का स्कोर भी जो है सिमिलर ही था, इनफैक्ट थोड़ा सा एक 50 पॉइंट से बढ़ गया था, तो ये भी जो है एक अच्छी बात है, घटा भी रहता 50-100 पॉइंट से तो कोई फर्क वैसे पड़ने वाला नहीं था। ग्रीन स्क्रीन इशू क्या आ सकता है आपके आईफोन पे, तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ग्रीन स्क्रीन इशू किसी भी आईफोन पे किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी यानी कि 13 और 14 सीरीज, खास करके प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स जो 13 और 14 सीरीज के है और 13 का नॉन प्रो, इनमें ग्रीन स्क्रीन इशू आने का चांस है। आईफोन को चार्जिंग पे लगा के अपडेट ना करें, अगर अपडेट करते हैं आप तो ग्रीन स्क्रीन इशू आ सकता है, डिस्प्ले का एक कॉम्पोनेंट खराब हो जाता है एक्सेसिव हीटिंग से। आईफोन 15 सीरीज और आईफोन 12 सीरीज 11 में ये सब देखने नहीं मिला है, लेकिन उनके यूजर्स को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपडेट जो है चार्जिंग पे लगा के फोन को मत करें आप, अगर आप करते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है कि फोन एक्सेसिव हीट होता है और इतनी बैटरी रहेगी तभी भी अपडेट पे ना लगाए, अच्छे से चार्ज करके उसको फिर अपडेट पे आप लगाइए। क्या आपको iOS 18.1 पे अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी iOS 18 पे आ चुके हो तो आप iOS 18.1 पे अपडेट कीजिए, बहुत अच्छा अपडेट है, कोई प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आपको फेस करने नहीं पड़ना चाहिए अगर आप अच्छे से फोन को ऑप्टिमाइज करते हो तो। अगर आपको बैटरी लाइफ वैसी निकाल के चाहिए जैसे मेरे फोन की आती है, उतना अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है फोन को, तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वो लिंक पे जाइए और वहां से वो वीडियो चेकआउट कीजिए। 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने वो वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया कैसे iOS 18 वाले आईफोन्स के ऊपर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो ताकि फैंटास्टिक बैटरी लाइफ निकाल सके। 30 टिप्स है बैटरी सेविंग के, वीडियो देखते देखते वो टिप्स को फॉलो कीजिए आप और आपका काम जो है यहाँ पे हो जाएगा। लिंक जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में आपको पिन मिल जाएगा। यही दिखानी दोस्तों iOS 18.1 की अपडेट, अच्छा है आपको करना है तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद आएगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।